Hi kids, welcome to your English class. And I am back with your series Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. Children, today we are going to study a new chapter. Ek naya chapter start kar rahe hain. Today we will begin with chapter number 9, that is Dal Delight. Dal is a very common food ingredient, hai na? Hum सभी के घर में दाल इज़ अ कॉमन फूड, ऑलमोस्ट रूटीन में कई बार बन जाता है ना, हफ्ते में एक दो बार तो बन ही जाता है, राइट? सो इट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ अवर डाइट. तो आज हम दाल के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हैव यू एवर थॉट दैट चिल्ड्रन कैन समटाइम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडल्ट मैटर्स? रीड द स्टोरी विच टेल्स हाउ अ यंग बॉय हेल्प्स हिज फादर टू गेट अ रिवॉर्ड. कई बार क्या होता है, हम बच्चों को बच्चा समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार बच्चे अनजाने में ही अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू बड़ों की बहुत मदद कर देते हैं, राइट? तो आज हम एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जहां एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की मदद करता है ताकि उन्हें प्राइज़ मिल सके. तो किस बात का प्राइज़ है, क्या कॉम्पिटिशन है, किस तरह से वो बच्चा मदद करता है, आइए पढ़ते हैं. Sadik was sitting in his father's food stall in a small hall in Lucknow. So, the child's name is Sadik and his father is having a small food stall. Alright. He was sweating flies over the jalebi when he saw a man in silk achkan get off a horse at their door. Ab wo kya kar raha tha? Wo basically makhiya uda raha tha. Sweating flies means removing the flies. Taki makhiya jo hain बैठे ना खाने पे, जलेबियों के ऊपर मक्खियाँ मंडरा रही थी तो उनको हटा रहा था. और जब वो ये सब कर रहा है उस दौरान क्या होता है, उनकी दुकान के आगे एक आदमी बहुत ही आलीशान सी अचकन पहने हुए आता है और घोड़े से उतरता है. टू सर्वेंट्स फॉलोड द मैन, और उस आदमी के पीछे पीछे उसके दो सेवक यानी नौकर भी आते हैं. लुक्स रिच, इज ही कमिंग हियर, सादिक वंडर्ड. अब सादिक ने उस आदमी को देखा, उसने सोचा अरे ये तो काफ़ी अमीर लगते हैं, क्या ये हमारी दुकान पे आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं. सादिक्स फादर मोहम्मद कादर वॉच्ड फ्रॉम अबव व्हाइल फ्राइंग कचौड़ी ऑन अ ह्यूज अंगीठी एज वन ऑफ द सर्वेंट्स केम अप एंड अनाउंस्ड नवाब हसन अली हैज अराइव्ड. सो एज यू कैन सी द पिक्चर, इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर ना. सी, दिस इज द शॉप ऑफ सादिक्स फादर. And what he is doing, he is frying kachoris. और सादिक यहाँ पे खड़ा है, वो पहले जलेबियों से चीज़ें हटा रहा था, अब उसका ध्यान किसके ऊपर है, नवाब साहब के ऊपर. तो कौन आए हैं, सादिक के फादर मोहम्मद कादिर, ये मोहम्मद कादिर हैं और इनकी दुकान पे जो है नवाब हसन अली आए हैं, ठीक है. The man in silk entered and looked around their small shop. I hear you are famous cook Muhammad Qadir, he said in a bored voice. I like tasting new dishes. What do you make the best? So, उन्होंने बोला, हसन साहब बहुत खुश तो नहीं हुए इतनी छोटी सी दुकान देख के, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि क्या आप ही मोहम्मद कादिर हैं? मुझे पता चला है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे नई नई डिशेस टेस्ट करने का शौक है, तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं, मैं वो टेस्ट करना चाहता हूँ. दाल, जस्ट दाल, द नवाब आस्क्ड सरप्राइज्ड. तो एकदम से मोहम्मद कादिर ने बोला दाल, मतलब क्या सबसे अच्छा बनाता हूँ, दाल बनाता हूँ. अब ये सुन के हसन साहब चौंक पड़े, वो नवाब थे, उन्हें लगा दाल ये तो बड़ी आम सी डिश है, हर रोज़ घर में बनती है, इसमें क्या स्पेशलिटी है. I can make halwa and paratha and all the usual dishes, but you ask me what I make the best, Qadir said calmly. अब कादिर ने जब देखा कि नवाब साहब बड़े ही असमंजस में हैं और थोड़ा हैरान परेशान हैं दाल सुन के, तब उन्होंने बहुत ही शांति से बताया कि मैं पराठा, हलवा और अलग अलग तरह की कई डिशेस बना सकता हूँ, लेकिन हुजूर आपने मुझसे पूछा कि मैं सबसे अच्छा क्या बना सकता हूँ, तो सबसे अच्छा मैं दाल बना सकता हूँ. बट दाल, दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग, माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग योर कुकिंग सो मच, आई एक्सपेक्टेड सम न्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश. अब नवाब साहब ने बोला
लेकिन दाल तो कोई इंटरेस्टिंग या एग्जॉटिक डिश नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने आपका खाना खाया है और वो आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे, मुझे तो लगा कि आप मुझे कुछ नई और अनोखी चीज़ खिलाएंगे, पर आप तो दाल की बात कर रहे हैं। बट हैवंट यू टेस्टेड द दाल आई मेक? तब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कादिर साहब ने बोला कि हुजूर आपने अभी तक मेरा दाल चखा नहीं है। फाइन आई विल टेस्ट इट, व्हाट काइंड ऑफ दाल डू यू मेक? तो नवाब साहब ने पूछा, ठीक है जब तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारी दाल ही चख के देखेंगे, किस तरह की दाल बनाते हो? उड़द, सेट कादिर। कादिर ने बोला उड़द की दाल। गिव मी सम, लेट्स सी व्हाट सो स्पेशल अबाउट इट। तो नवाब साहब ने बोला, अच्छा ठीक है लाओ थोड़ा सा हमारे लिए लेके आओ, हम चक्कर देखेंगे कि ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी दाल में। ठीक है, आई हैवंट गॉट एनी रेडी नाउ। व्हाट, द नवाब सेड एंग्रीली, आई मेक माई दाल शाही उड़द ओनली ऑन ऑर्डर। कादिर सेड, आई यूज अ स्पेशल मसाला, इट टेक्स अ डे टू मेक। इफ योर ऑनर विशेज आई प्रिपेयर इट फॉर टुमारोज लंच। फाइनली कादिर से जब नवाब साहब ने बोला कि लाओ जरा दाल लेके आओ चक्के देखूंगा, तो कादिर ने बोला आज तो दाल नहीं बनाई हुजूर, आज नहीं बनी, मैं कहाँ से लाऊं, आपको कैसे चखाऊं। तो ये सुन के नवाब साहब जो है गुस्से में आ गए, वो तिलमिला उठे, उन्होंने कहा क्या तुमने दाल नहीं बनाई? तो कादिर ने बोला कि ये कोई आम दाल नहीं है, मैं जो दाल बनाता हूँ वो शाही उड़द दाल है, जिसे बनाने के लिए कुछ स्पेशल मसालों की ज़रूरत होती है, और इसे बनाने, इन मसालों को तैयार करके पूरी दाल वाल रेडी करने में मुझे एक दिन का समय लग जाता है। तो अगर आप चाहें, अगर आपको इच्छा है तो मैं आपको ये दाल कल बनाकर खिला सकता हूँ लंच में। नवाब हसन अली एग्रीड रिलक्टेंटली, आई लिव नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टुमारो। आई एम सॉरी सर, दैट्स नॉट पॉसिबल, सेड कादिर। सादिक साइड टू हिमसेल्फ, हिज फादर वॉज बींग डिफिकल्ट एज यूजल। हिज अब्बा जान लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर बिकॉज ही वॉज सच अ फजी कुक एंड नवाब लुक्ड रिच। नाउ फाइनली वॉट हैपन, नवाब साहब ने बोला ठीक है ओके, आज नहीं है, मेरे घर पास में ही है, कल लेके आ जाना, बना लो अपनी दाल और कल मुझे टेस्ट करवाना। अब नवाब साहब ने जैसे ही ये ऑर्डर्स दिए तो कादिर साहब ने क्या बोला, सादिक के जो पिता थे, जो कुक थे, उन्होंने बोला मुझे क्षमा करिए हुजूर, लेकिन मैं दाल लेके आपके घर तक नहीं आ सकता। अब जो है नवाब साहब और गुस्से में हो गए और सादिक सोचने लगा कि पिताजी खामखा ही इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, और सादिक को हमेशा से ही पता था कि उसके पिता थोड़े रूड हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और इतने सारे नखरे हैं, इसीलिए कई बार उन्हें कई सारे कस्टमर्स से हाथ धोना पड़ता था। नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच ए रूड कुक बट ही वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड। व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ कादिर मियाँ? अब नवाब हसन अली को ऐसे रूड लोग पसंद तो नहीं थे, लेकिन वो थोड़े से सरप्राइज भी हो गए कि एक खानसामा, खानसामा मतलब जो खाना बनाते हैं, तो एक खानसामा सिंपली उनसे बहस कर रहा है और कह रहा है कि वो उनकी, मतलब उनको दाल टेस्ट कराने के लिए उनके घर तक नहीं जा सकता। हुजूर, टू एंजॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप, इट हैज़ टू बी ईटन इमीजिएटली। सो योर ऑनर, वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम एट वंस। रियली, वॉट इफ आई एम लेट? आई थ्रो दाल अवे और गिव इट टू द पुअर, कादिर रिप्लाइड वाइल पुटिंग सम रोल्ड कचौरीज इन टू द हॉट ऑयल विद अ हिस। सो फाइनली कादिर ने बोला कि हुजूर मेरी दाल कोई आम दाल नहीं है, उसको आपको बनते ही, मतलब जैसे ही वो पककर तैयार होगी आपको सर्व कर दिया जाएगा गर्मा गर्म और आपको चखना पड़ेगा। अगर वो ठंडी हो जाएगी तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो बेकार हो जाएगी, तो अगर आप नहीं आएंगे तो फिर वो दाल नहीं खाई जाएगी। तो नवाब साहब ने पूछा, अच्छा और अगर मुझे आने में देर हो गई तो क्या होगा उस दाल का? तो कादिर ने कहा, अगर आप लेट हो गए तो या तो वो दाल मैं गरीबों में बांट दूंगा या फिर फेंक दूंगा। और ये सब बोलते हुए उसने एक बार भी नवाब साहब की तरफ नहीं देखा, वो बोल बातें करते करते उन्होंने अपनी कचौड़ियाँ जो है कढ़ाई में डाल दी। ठीक है, नवाब हसन अली शुक हिज हेड, दिस कादिर वॉज लाइक नो कुक ही हैड मेट। आह वेल,
He thought, let's taste his dal. Maybe it will be worth the trouble. अब नवाब हसन अली भी थोड़ा सा चौंक गए, उन्हें भी मज़ा आने लगा. उन्होंने सोचा, मैं ऐसे कुक से आज तक नहीं मिला हूँ, मैं ऐसे किसी रसोइये से नहीं मिला जो इतना ज़्यादा एटीट्यूड रखता हो, जो अपनी शर्तों पे ही काम करता हो. चलो इसकी दाल टेस्ट करके देख ही लेते हैं, ज़रूर कुछ स्पेशल बात होगी. कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल. सो फाइनली उन्होंने बोला, ठीक है, जब तुम्हारी दाल बन जाए कल मुझे बुलवा लेना, मैं आ जाऊँगा. और वो ऐसा कह के चले गए. सादिक साइड विद रिलीफ, ही हैड बीन वरीड दैट नवाब वुड लूज हिज टेम्पर एंड लीव. सादिक न्यू द नवाब्स ऑफन गिव जेनरस रिवॉर्ड्स टू द कुक्स इफ दे लाइक द डिश. अब सादिक तो बहुत टेंशन में था, जब नवाब साहब वहाँ से शर्त मानते हुए चले गए, सादिक ने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब्बा और नवाब साहब के बीच में कोई बहस नहीं हुई. सादिक को बहुत अच्छे से पता था कि नवाब साहब अगर खुश हुए तो काफ़ी सारा इनाम देंगे, और वो चाहता था कि उसके फादर को भी इनाम मिले. सादिक वॉज रादर स्केयर्ड ऑफ हिज फादर व्हेन मोहम्मद कादिर बिकेम एंग्री. द नेबर सेड क्रोज फ्लू अवे कॉइंग एंड स्ट्रीट डॉग्स हिड बिहाइंड द स्ट्रीट्स. अब उनको क्या परेशानी थी, उनको दिक्कत ये थी कि उन्हें गुस्सा बहुत आता था. किसे गुस्सा बहुत आता था? सादिक के पापा को. सो सादिक को अपने पापा के गुस्से से बहुत डर लगता था. अगर कादिर साहब को गुस्सा आ जाए तो उनके जो पड़ोसी हैं वो ये कहते थे कि जितने भी आसपास के कौवे हैं वो भी भाग जाते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी जाकर छुप जाते हैं. तो इतना ख़तरनाक गुस्सा जो था कादिर साहब को आता था. इट वॉज लकी दैट नवाब हैड बीन इन गुड मूड एंड एग्रीड टू ऑल कादिर्स कंडीशन. हिज फादर वॉज केपेबल ऑफ रिफ्यूजिंग टू कुक फॉर द बादशाह हिमसेल्फ इफ ही वॉजन ट्रीटेड वेल. और सादिक बहुत अच्छे से अपने पापा का टेम्परामेंट या मिजाज समझते थे. सादिक को अच्छे से पता था कि अगर उसके पापा का मूड नहीं हुआ या अगर उसके पापा की बात नहीं बनी तो वो बादशाह को भी ना कर देंगे. ठीक है, नवाब तो बहुत दूर की बात है, वो बादशाह को भी मना कर सकते हैं. इन द इवनिंग सादिक वेंट विद हिज फादर टू द मार्केट टू बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर द दाल शाही उड़द. अब शाम को वो अपने पिता के साथ मार्केट गया और दाल शाही उड़द बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब इकट्ठा करके ले आया. ओनली द बेस्ट वुड डू ऑफ कोर्स, ईच ग्रेन ऑफ उड़द हैड टू बी परफेक्ट, नो ब्रोकन बिट्स. सिनेमन स्टिक्स, कार्डमम, कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव्स, गार्लिक पॉड्स, ऑनियन, जिंजर एंड टर्मरिक ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी. अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उस उड़द दाल में चलेंगे. हर एक इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल हाईएस्ट और बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, तभी दाल अच्छी बनेगी. जीरा, दालचीनी, धनिया, लौंग, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, मिर्ची, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन. सैफ्रन एंड मिल्क फॉर द फ्रेग्रेंस एंड प्योर घी. सैफ्रन यानी केसर, दूध और प्योर घी भी चाहिए दाल को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए. ग्रीन क्रिस्प मिंट लीव्स फॉर द चटनी. और इसके साथ खाने के लिए साथ में एक चटनी जो कि हरे पुदीने के पत्ते, ठीक है, उससे बनेगी. आदाब कादिर मियां, वन ऑफ द सर्वेंट्स हु हैड अकम्पनीड द नवाब हसन अली ग्रीटेड देम एट द वेजिटेबल शॉप. हाउ इज द शॉपिंग गोइंग ऑन फॉर द दाल शाही उड़द. सो फाइनली जब वो सारी शॉपिंग कर रहे हैं तो अचानक से उनकी टक्कर नवाब हसन अली के एक नौकर से हो गई जो कि उनके साथ दुकान पर आया था कादिर साहब की. उसने पूछा, ओ अच्छा आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तैयारी ठीक से चल रही है ना, सब तैयारी हो गई शाही उड़द दाल पकाने की. आदाब, सेड कादिर शॉर्टली, ही डिडंट लाइक टॉकिंग अननेसेसरी. सादिक स्माइल्ड एट द मैन. योर नवाब साहब सीम्स टू लाइक ईटिंग, ही सेड. अब कादिर साहब जो है वो बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे, वो ज़्यादा बातें इधर उधर की करना पसंद नहीं करते थे. तो सादिक ने सिचुएशन को संभालते हुए हंसते हुए कहा, आपके नवाब साहब को खाना बहुत पसंद है. आह डजंट ही, द मैन लव्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट हॉबी. ही इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर न्यू फूड स्टॉल्स एंड इफ ही लाइक्स अ पर्टिकुलर प्रिपरेशन ही गिव्स फैब्यूलस रिवॉर्ड्स. तो एकदम से वो जो नौकर था उसने बोला, हाँ बिल्कुल उन्हें सबसे ज़्यादा यही काम पसंद है, वो खाना इतना पसंद करते हैं और स्पेशली नई नई डिशेस ट्राई करना. अगर उन्हें कोई खाना बहुत अच्छा लगता है, कोई डिश उन्हें बहुत पसंद आती है, तो जिसने वो बनाया है उसको वो बहुत सारा
रिवॉर्ड और प्राइज मनी देते हैं. रियली सादिक आस्क्ड एक्साइटेड व्हाट हैज ही गिवन. वेल वंस ही वाज सो प्लीज्ड बाय अ पसंदा एंड पुलाव इन अमीनाबाद ही बॉट द कुक अ न्यू शॉप. तो सादिक तो बहुत खुश हो गया. उसने कहा सच्ची क्या सच में बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं, क्या क्या देते हैं. तब वो जो नौकर था उसने बताया कि अरे वो तो बहुत दिलदार किस्म के इंसान हैं, वो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं. जैसे पिछली बार उन्हें किसी के हाथ का बनाया हुआ पसंदा और पुलाव पसंद आ गया था, तो उन्होंने अमीनाबाद में उस कुक के लिए यानी जिसने वो खाना बनाया था उसके लिए एक नई दुकान ही खुलवा दी थी. अ होल शॉप, सादिक एक्सक्लेम्ड वाइड आइड. अब सादिक छोटा सा बच्चा था, वो तो चौंक ही गया कि किसी को भाई गिफ्ट में या इनाम के तौर पे आप पैसे दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, लेकिन एक पूरी दुकान खुलवा दी. द नवाब इज़ वेरी रिच. लास्ट मंथ ही गेव अ डायमंड रिंग टू द शेफ फॉर हिज फैमिली. तो नौकर ने बोला नवाब साहब बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है. अभी पिछले ही महीने उन्होंने एक खाना बनाने वाले को एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की क्योंकि उसने फिरनी बहुत अच्छी बनाई थी. फिरनी इज़ ऑल्सो अ डिश, इट इज़ अ स्वीट डिश. कादिर वॉज कॉलिंग हिम, सो सादिक हैड टू लीव, बट ऑन द वे होम ही ड्रीम्ड ऑफ द रिवॉर्ड हिज फादर कुड गेट. ही न्यू दैट हिज फादर्स दाल शाही उरद वॉज सो गुड एज एनी पुलाव और पसंदा एनी कुक कुड प्रिपेयर. सो कादिर साहब जो है उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया सादिक को, तो सादिक को बात को वहीं छोड़ के जाना पड़ा. रास्ते भर घर लौटते हुए वो अलग अलग तरह के इनामों के बारे में सोचता रहा. उसे अच्छे से पता था कि उसके पापा दाल इतनी अच्छी बनाते हैं कि किसी भी अच्छे खासे कुक को टक्कर दे सके. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सादिक सेट टू वर्क विद हिज फादर. ही हेल्प्ड हिम क्लीन द दाल, मेक घी, ग्राइंड टर्मरिक, पील एंड चॉप द अनियंस, गार्लिक एंड जिंजर. देन ही वॉच कादिर कुक दाल. सो अगली सुबह सादिक जल्दी उठ गया और पापा का हाथ बटाने लगा. उसने दाल को साफ करने में मदद की, पापा को सारी सब्जियों के छिलके उतारने में मदद की, लहसुन प्याज के छिलके, फिर उनको चॉप करने में मदद की. एंड फाइनली जब सारे अरेंजमेंट्स और सारे प्रिपरेशंस हो गए तो जब कादिर मियाँ ने दाल पकानी शुरू की सादिक वहाँ बैठ के देखने लगा. विद दाल कादिर मेड अ लाइट क्यूकम्बर रायता, मिंट चटनी, अ वेजिटेबल डिश ऑफ कॉलीफ्लावर एंड पोटेटोज अलॉन्ग विद अ फुल बाउल ऑफ फिडनी. अब सिर्फ दाल तो नहीं जा सकती थी, लंच देना था भाई, नवाब की बात है. तो कादिर ने दाल के साथ साथ और दो तीन और जो है डिशेस बनाई. क्या क्या बनाए? उन्होंने एक हल्का सा खीरे का रायता बनाया, मिंट की चटनी बनाई है ना, पुदीने की चटनी, एक सब्जी बनाई गोभी और आलू की, और एक बड़े से बाउल में फिरनी बनाई. एंड वंस द नवाब सैट डाउन टू ईट ही वुड सर्व फ्रेशली बेक तंदूरी रोस्टीज. और उनका दिमाग में ये था कि जैसे ही नवाब खाने बैठेंगे वो गर्मा गर्म तंदूरी रोटी देंगे खाने के साथ. सादिक हैड स्नीक्ड अ क्विक टेस्ट ऑफ दाल व्हेन हिज फादर वाजंट लुकिंग. इट टेस्टेड अटरली डिलीशियस. इट वॉज द सीक्रेट मसाला दैट मेड ऑल द डिफरेंस. अब सादिक ने छुपते छुपाते जब उसके पापा का ध्यान इधर उधर था चुपके से थोड़ी सी दाल लेके चख ली और टेस्ट बिल्कुल बढ़िया. सादिक को लगा इससे अच्छी दाल उसने आज तक नहीं खाई है. टेस्ट इतना टेस्टी है कि नवाब साहब तो पक्का सही इम्प्रेस हो जाएंगे. ठीक, एवरीथिंग वॉज रेडी. द दाल इन द हांडी वॉज बबलिंग जेंटली ऑन द अंगीठी. बॉल्स ऑफ डो मॉइस्ट एंड रेडी टू बी स्लैब्ड इन टू रोटीज. द रायता कूलिंग इन द अर्दन बॉल. कादिक टर्न टू हिज सन. गो एंड कॉल द नवाब, बेटा आई एम रेडी टू सर्व द लंच. अब जब ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई, मतलब दाल फाइनल स्टेज पे थी, उबल रही थी हांडी में, रायता ठंडा होने के लिए रख दिया गया, रोटियों की लोई बना के रख दी गई कि रोटियां जैसे ही नवाब साहब आएंगे रोटी बेल के सेक के दे दी जाएगी गर्मा गर्म. जब सारी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो गई तब कादिर जी ने बोला सादिक जाओ बेटा नवाब साहब को बुला लो. सादिक रैन ऑल द वे टू नवाब हसन अलीज हवेली. ही रीच द हाउस पेंटिंग. I have come to call Nawab for lunch. Dal is ready, he said to the servant. अब सादिक दौड़ता हुआ जो है हाँफते हुए नवाब साहब के घर पहुँचा. जब वो वहाँ पहुँचा तो वो हाँफ रहा था, भाग के आया था, थक गया. तो हाँफते हाँफते उसने बोला कहाँ है नवाब साहब, दाल रेडी हो गई है, जल्दी से उन्हें बुलाया जाए.
Go up the roof, Nawab Sahab is flying kites there. अब सादिक ने कहा, कहाँ है नवाब साहब? तो उसके उत्तर में जो नीचे नौकर थे उसने बुलाया, जाओ छत पे चले जाओ, नवाब साहब वहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं. सादिक tore up the stairs to the roof. The Nawab and his friends were completely engrossed in flying kites. Sadiq went up to Hasan Ali's and said timidly, Nawab sahab, the dal is ready. My father is calling you. So finally, Sadiq daudta hua seedhiyon se chhat tak gaya aur wahan jaakar bola, Nawab sahab, dal taiyar ho gayi. Pitaji aapko bula rahe hain. Ab Hasan sahab to patang udane mein busy the. वो एकदम से भूल गए कि किस दाल की बात हो रही है. उन्होंने सादिक की तरफ देखा, फिर उन्हें याद आया कि अच्छा हाँ, दाल की बात हुई थी लंच में खाने के लिए. ही सीम टू रिमेंबर, आह यस द दाल. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाफ, फॉरगेट द दाल हसन, योर काइट इज इन डेंजर, द ग्रीन काइट इज अबाउट टू कट. हसन अली हरीडली पुल्ड हिज काइट. जस्ट यू वेट, ग्रीन काइट आई विल गेट यू, ही शाउटेड. अब हसन अली पतंग रखने ही वाले थे कि इतने में उनके दोस्त ने बोला, अरे हसन आप इस वक्त पतंग पे ध्यान दीजिए, दाल वाल छोड़िए. क्या आप दाल के पीछे पड़े, दाल फिर कभी चख लीजिएगा, अभी देखिए अपनी पतंग को कटने से बचाइए. और हसन अली को जैसे ही दोस्त ने बोला, उन्होंने भी पतंग पे ध्यान दिया कि हाँ उनकी पतंग कटने वाली है, तो उनका ध्यान वापस किस तरफ चला गया, अपनी पतंग को बचाने में. हसन अली हरीडली पुल्ड हिज काइट. यू जस्ट वेट, ग्रीन काइट आई विल गेट यू, ही शाउटेड. नवाब साहब, सादिक इंटरप्टेड, वरीड अबाउट हिज फादर्स टेम्पर, द फूड इज वेटिंग. तो सादिक को तो पता था, कल ही उसके पापा ने बोल दिया था कि दाल एकदम गर्मा गर्म ही खानी पड़ेगी वरना वो वेस्ट हो जाएगी. अब सादिक को पता था उसके पापा कितने गुस्से वाले हैं, वो डर गया. उसने फिर से याद दिलाने की कोशिश की हसन अली को कि दाल वेट कर रही है, दाल आपका इंतज़ार कर रही है. यस यस, हसन अली सेड इरिटेटेड, टेल योर फादर टू वेट, कांट यू सी माई फ्लाई काइट इज़ इन डेंजर. तो हसन अली ने चिड़चिड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ रुको, ठहरो ज़रा, पता है मुझे तुम्हारी दाल, जाओ घर जाओ, जाकर पापा से बोल दो कुछ देर मेरे लिए इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ, पहले मेरी काइट बचा लूँ. Run along boy, one of his friends said impatiently, can't you see Nawab sahab is busy. तो दूसरे दोस्त ने कहा, अरे लड़के यहाँ से भागो, जल्दी भागो, चलो यहाँ से जाओ, देख नहीं रहे हो नवाब साहब कितने बिजी हैं. But the dal, Sadiq gave up sadly and walked away. All his dreams were fading away. He knew what would happen. He knew his abbu's temper. As you can see now, look, they are flying the kites. अब सादिक के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो चुपचाप नीचे आ गया और वो बहुत निराश हो गया. उसे अपने पापा के गुस्से के बारे में बहुत अच्छे से पता था. वो परेशान कि अब मैं क्या करूं, पापा कोई रिवॉर्ड तो जीतेंगे ही नहीं, इनाम तो दूर की बात है, उल्टा सारी मेहनत भी वेस्ट जाएगी और नवाब साहब भी गुस्सा करेंगे. द मोमेंट कादिर हर्ड द नवाब प्रेफर्ड टू फ्लाई काइट्स रादर देन टू टेस्ट हिज दाल, ही वुड फ्लाई इनटू अ रेज एंड गिव द हांडी ऑफ दाल टू फर्स्ट बेगर. They could forget about the reward. Sadiq felt like crying. अब सादिक ने सोचा जैसे ही वो जाकर बताएगा पिताजी को कि नवाब जो है पतंग उड़ाने में ज़्यादा व्यस्त हैं और दाल नहीं चखेंगे या बाद में आएंगे, उन्हें तो गुस्सा आ जाएगा, वो उठा के पूरी दाल किसी भिखारी को दे देंगे और कोई भी इनाम नहीं मिलेगा. On reaching home, he looked up. The Nawab's kite was flying overhead and his friend Aman was flying a kite from his rooftop across the lane. अब नवाब साहब का जो घर था वो बहुत ज़्यादा दूर था नहीं, ठीक है. तो जब वो घर पहुँचा तब उसने क्या देखा कि अमन उसका एक दोस्त वो भी पतंग उड़ा रहा है और नवाब साहब भी अपनी पतंग को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं. सडनली अ वंडरफुल आइडिया स्टक सादिक, ही रैन टू अमन्स रूफटॉप. अमन, डू मी अ फेवर, सी द ब्लू एंड सिल्वर काइट, कट इट फास्ट. अब वो जल्दी से अमन के घर दौड़ता हुआ गया और उसने बोला, एक काम कर, वो जो नीली वाली पतंग है ना उसको काट दे, उसको किसी भी तरह काट दे और हरा दे. श्योर, नो प्रॉब्लम, सेड अमन ग्रिनिंग. ही वॉज अ चैम्पियन काइट फ्लायर. ही मेड अ स्पेशल काइट स्ट्रिंग विद अ लेयर ऑफ ग्राउंड ग्लास दैट कुड कट थ्रू एनीथिंग. अब अमन ने बोला, हाँ बिल्कुल भाई, दोस्त ने बोला है, सादिक उसका दोस्त था, सादिक ने कहा तो उसने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है. अब अमन का जो मांजा था, जो काइट का स्ट्रिंग था, वो काफ़ी स्पेशल था,
वो ग्लास यानी शीशे से घिसके बनता था और इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इजीली कट कर सकता था। सादिक रेस बैक टू द नवाब्स हाउस। सादिक जो है वापस से किसके घर दौड़ा? नवाब के घर। ही रैन अप द स्टेयर्स एंड रीच द रूफ जस्ट एज अमन हैड पोजिशनड हिज काइट डायरेक्टली अबव द नवाब। अमन गेव अ शार्प टग। ओ नो, हसन अली ग्रोन्ड इन डिसमे एज हिज काइट वाज कट एंड वाफ्टेड डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब इमीडिएटली जैसे ही सादिक वापस नवाब साहब की छत पे पहुंचा, अमन ने इतनी देर में हसन अली की पतंग को काट दिया और हसन अली की पतंग कटते ही हसन अली जो है, नवाब साहब जो है, चिल्ला उठे, ओ नो मेरी पतंग कट गई। और इसी अपॉर्चुनिटी को सादिक ने ले लिया। सादिक ने कहा, हुजूर द फूड इज़ वेटिंग, द दाल इज़ डिलीशियस। तो सादिक ने बोला, हुजूर जल्दी चलिए, दाल आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत टेस्टी दाल है। ओ यस यस, द नवाब सडनली रिमेंबर्ड द स्पेशल दाल। अब क्योंकि उनकी पतंग कट चुकी थी तो उनका ध्यान भी भटक गया, तो नवाब साहब को दाल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, वो स्पेशल दाल, चलो चलो। नाउ द काइट्स गॉन, लेट्स गो एंड ईट। अब पतंग तो रही नहीं, चलो चल के खाना खाते हैं। सादिक रेज्ड अहेड, हिज हार्ट थम्पिंग नर्वसली। ओ अल्लाह, ही प्रेड, डोंट लेट अबू लूज हिज टेम्पर, प्लीज डोंट लेट इट बी टू लेट। अब सादिक भागता हुआ अपने अब्बा जान के पास पहुंचने लगा और सारे रास्ते उसने यही प्रार्थना की कि हे भगवान, हे अल्लाह, ऐसा कुछ ना हो कि पापा को गुस्सा आ जाए और इतनी देर होने की वजह से वो दाल को फेंक दें। द नवाब हैड हिज फ्रेंड्स एंटर्ड द स्टॉल, द बेस्ट रूम हैड बीन रेडीड फॉर देम। एज दे सैट डाउन ऑन द कारपेट, कादिर केम इन विद द दाल एंड सादिक फॉलोड विद पाइपिंग हॉट रोटीज ड्रिपिंग विद बटर। सो नवाब के लिए पूरा जो है खाना अच्छे से लगाया गया। नवाब और उसके दोस्त जब खाने बैठे तो कादिर साहब जो है दाल और बाकी चीज़ें लेके आया और सादिक गर्मा गर्म बटर से लिपटी हुई रोटियों को लेके आया। सादिक हेल्ड हिज ब्रेथ एज नवाब अली ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी डिप्ड इन द दाल शाही उड़द, पुट इन हिज माउथ, च्यूड स्लोली एंड देन क्लोज्ड हिज आईज। आह, ही सेड सॉफ्टली, सादिक लेट गो ऑफ हिज ब्रेथ। सो फाइनली जैसे ही नवाब साहब ने एक टुकड़ा दाल में डुबोया, सादिक ने एकदम से अपनी सांसें रोक ली। उसको टेंशन हो रही थी, पता नहीं नवाब साहब को कैसा लगेगा। नवाब साहब ने वो टुकड़ा मुंह में डाला और मुंह में डालते ही अपनी आंखें बंद कर ली और स्वाद ही स्वाद, और उनके मुंह से एकदम से निकला, वाह आह क्या खाना है। द नवाब डिप द सेकेंड पीस ऑफ रोटी इन द दाल, स्कूप सम रायता विद इट, सेवर्ड इट एंड सेड, वाह कादिर मियां, योर दाल शाही उड़द इज ट्रूली हेवनली, आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग बेटर। अब नवाब साहब ने दूसरा टुकड़ा लिया, उसमें दाल लगाई, रायता लगाया और मुंह में डाला और तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि वाह वाह कादिर मियां, क्या दाल बनाई है, मैंने कभी ऐसी दाल नहीं खाई। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग बेटर, इवन रोगन जोश पेल्स बिफोर दिस। आफ्टर अ फ्यू मोर माउथफुल्स, हसन अली कंटिन्यूड, यू डिजर्व अ रिवॉर्ड, टेल मी वॉट वुड यू लाइक। तो हसन अली ने खाना खाते हुए बोला, वो इतना खुश हो गए, उन्होंने बोला, अरे इस खाने के आगे तो रोगन जोश भी फीका है, बहुत टेस्टी बनाया है, बताओ क्या रिवॉर्ड चाहिए, इनाम में क्या चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद कादिर स्माइल्ड, I would like to have a bigger food stall, Huzoor, near the Imam Bada. So immediately, Kadir Ali ने उस दिन पहली बार वो मुस्कुराया और उन्होंने क्या कहा कि हुजूर, अगर आप इतने ही खुश हैं तो मुझे एक बड़ा दुकान दिलवा दीजिए बड़े इमाम बाड़ा के पास में, ताकि दुकान मैं बड़ी कर सकूँ, ये दुकान काफ़ी छोटी है। So see how Kadir Ali made a beautiful and interesting dish and how his son Sadiq with his intelligent saved the situation, hai na, na to usne apne papa ko gussa hone diya aur na hi nawab sahab ka dil tootne diya. Done, said Hasan Ali, dipping into the vegetable and helping himself a kachori. He called one of his servant, the servant bowed and put a bag full of money in Kadir's hand. This should be enough for your new shop, said Nawab Hasan Ali. Now give me some more of your dal, shahi urad and a roti. So immediately क्या बोला, Hasan Ali मान गए, उन्होंने अपने नौकर को इशारा किया, नौकर आगे आया और एक बड़ी सी पोटली पैसों से भरी हुई कादिर अली के हाथ में रख दी
और तब नवाब साहब ने बोला कि इसमें जितना पैसा है उससे तुम्हारी जो इच्छा है बड़ा दुकान लेने की, आई थिंक आराम से तुम अपनी नई दुकान बना सकते हो। अब चलो बहुत बातें हो गई, मुझे थोड़ी सी और शाही उड़द दाल दो और एक और रोटी दो, खाना लाजवाब है। वॉचिंग हिज फादर सर्व द नवाब एंड हिज गेस्ट, सादिक ग्रिन टू हिमसेल्फ, नाउ दे वुड बी रिच। लेटर ही वुड टेल हिज अबू हाउ ही ट्रिक द नवाब इन टू कमिंग ऑन टाइम। He knew his Abu would laugh and give him some money, maybe the whole mohur. With it, and Aman could buy kites and top in the market and treat themselves a kulfi and faluda. अब जब सारी सिचुएशन ठीक हो गई, पापा को प्राइज में मिल गया, सादिक मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसे उसने जो सपना देखा था वो बिल्कुल पूरा हो गया, उसके पापा को भी बहुत अच्छा गिफ्ट मिला और उसने सोचा कि बाद में मैं घर जाकर अबू को बताऊंगा कि किस तरह से मैंने चालाकी से हसन अली को खाने पे बुलाया है। अबू तो खुश हो जाएंगे और क्या पता खुशी के तौर पे इनाम के रूप में मुझे एक पूरी मोहर दे दें, और वो मोहर ले जाकर मैं और अमन बहुत सारी पतंगे खरीदेंगे और बाज़ार में जाकर कुल्फ़ी और फालूदा भी खाएँगे। एज नवाब हसन अली एट एंड एट, सादिक स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। और जैसे जैसे नवाब हसन अली खाना खाते गए, सादिक खुश होता गया, मन ही मन उसको बड़ा मज़ा आया कि नवाब साहब तो बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। तो थी ना प्यारी सी कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी। समटाइम्स वी नीड टू यूज़ अवर इंटेलिजेंस, हर चीज़ को गुस्से से नहीं करना चाहिए, कई बार हमें अपना इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस यूज़ करके भी काम करवा लेना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट्स क्विकली गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स। Platter means plate, ingredients means things that prepare the dish, यानी सामग्री, ठीक है। Mohur means gold coin, सिक्के, सोने के सिक्के। Unnecessary means that is not necessary, ठीक है, not needed। Difficult means something which is not easy to understand, जो समझ में ना आए आसानी से। Refuse means showing unwillingness या किसी चीज़ को मना कर देना। Fragrance means खुशबू, अ प्लेजेंट स्मेल। एंड टिमिडिटी मीन्स लैकिंग करेज, यानी डरते डरते या धीरे धीरे बोलना, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट वन इज एमसीक्यूज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन, व्हाट विल कादिर डू टू द दाल इफ नवाब डजंट कम टू द शॉप ऑन टाइम। ईट इट हिमसेल्फ, गिव इट टू अदर कस्टमर्स, गिव इट टू पुअर और थ्रो इट अवे, गिव इट टू हिज रिलेटिव। सो सी पार्ट इज राइट, गिव इट टू पुअर या फिर फेंक देगा, या तो गरीबों को देगा या फेंक देगा। सेकेंड वन, व्हाट रिवार्ड वॉज गिवन टू कादिर, क्या मिला। अ सैक ऑफ कॉइन्स, अ बैग फुल ऑफ मनी, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अ न्यू शॉप। सो अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऑल राइट। नेक्स्ट थर्ड वन, कादिर कुडंट सर्व द दाल टू द नवाब दैट डे बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द नवाब। ही कुक द दाल ओनली ऑन ऑर्डर। ही नीडेड अ डे टू प्रिपेयर द दाल विद सीक्रेट स्पाइसेस। हिज स्टॉक ऑफ दाल वॉज ओवर। So he needed a day to prepare the dal with secret spices. Okay. Now next, let's move further. Fourth one. Sadiq hoped nothing would go wrong the next day as he was afraid that his father won't cook the dal. The Nawab wouldn't like the dal. His father could do something to anger the Nawab. The father would not cook well. It can happen that his father could do something to anger the Nawab. Okay. Alright. So now let's proceed further. Exercise B. Who said to whom? Kisne kisse kaha? So first one. I hear you are a famous cook. Ye kisne bola tha? This was said by Nawab Hasan Ali to Kadir. Okay. So Nawab Hasan Ali to Kadir. But you haven't tasted the dal I make. Kadir to Nawab Saab. Clear? Call me tomorrow when you are ready. Nawab to Kadir. The
The Nawab is very rich. Last month he gave a diamond ring to the chef for his wedding. Servant to Sadiq. Clear? Now C exercise is write true or false, T for true and F for false. So let's do these. First one, Nawab didn't want to eat the dal. No, he wanted to eat the dal, so this is false. Second, Sadiq told Aman to cut the Nawab's kite. Yes, this is true. Third, Sadiq was afraid of Nawab's anger. Yes, he was. Initially, usko tha ki kahin Nawab gussa hokar wahan se chale na jaye. Fourth, Nawab rewarded Qadir for the heavenly dal. Yes, this is true. Unhone diya, prize diya, inam diya. Fifth, Sadiq was sad as no dal was left for him. No, this is false. Sixth one, Nawab smiled and smiled. No, Nawab ate and ate. Sadiq smiled and smiled. So this is again false. So we are done with the exercises, children. I hope that you have noted the exercises. Aap sabne inko kar liya hoga. So now let's come to an end of this chapter. With this we finish to this chapter. I'll meet you again with a new chapter where again we would read some new and interesting story. Alright, so stay tuned for the new video. Bye bye and take care.